हेलो फ्रेंड्स, आज है मई की 7 तारीख। आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ, मैं मेरी गार्डन में मेरे प्लांट्स को किस तरह से मैं पानी देती हूँ गर्मी के टाइम। तो सबसे पहले मैंने तो गार्डन में आया सारे प्लांट को मैंने चेक कर लिया, कौन से प्लांटर की मिट्टी ड्राई है और कौन से प्लांटर की मिट्टी मतलब गीला है। सबसे पहले ये चेक करना ज़रूरी है। मेरे टेरेस में भी जो प्लांट है, बैल्कनी गार्डन में भी जो प्लांट है, यहाँ पर ये जो मेरे एंट्रेंस गार्डन है, फ्रंट गार्डन है, ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पे भी जो भी प्लांट है, मैं सबसे ये मिट्टी चेक करती हूँ। यहाँ पे नल है तो पाइप से अब मैं पानी देती हूँ। पहले मेरे घर की बैक साइड में जो ट्यूब वॉल है ना, वहाँ से भी मैं पानी लेके दोपहर के टाइम पानी देती थी। कल ना थोड़ा हमारे यहाँ आंधी तूफान आई थी, बहुत ज़्यादा हवा चले थी, तो मेरे प्लांटर में ना, प्लांट के लीव्स में ना धूल वगैरह जम गया है, तो उसे भी क्लीन करना है। तो ये देखिए रबर प्लांट है, कम इसमें लीव्स है, तो मिट्टी अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, मतलब मॉइस्ट है ये। और ये जो बेबी डॉल रसीना के प्लांट है, इसके मिट्टी ड्राई है। तो जो भी पॉट होता है ना, छोटे बड़े सभी पॉट के मिट्टी को पहले चेक करना चाहिए। यहाँ पे जो एग्लोनीमा के आइस एग्लोनीमा के प्लांट है, इसके मिट्टी देखिए मॉइस्ट है, ये देखिए इस पे पानी है। तो जो करना है ना फ्रेंड्स, सबसे पहले मिट्टी को चेक करना है। ऐसा नहीं कि हम गार्डन में आए और बस सभी प्लांट में पानी दे दिया, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ना, ज़्यादा पानी की वजह से प्लांट ज़्यादा ख़राब होता है। ये जो मेरे अरेलिया के प्लांट है, इसके मिट्टी कितने ड्राई है। तो इस तरह से ड्राई हो जाता है, तो उन सब प्लांट में मैं पहले पानी देती हूँ। और पानी जब भी देना है ना, शावर करवा देने से पहले ना, करवाने से पहले हमें पॉट में पानी देना है, क्योंकि पहले अगर हम इसको नहला देंगे तो हर एक पॉट की मिट्टी गीला हो जाएगा, तो हमें अच्छे से पता नहीं चलेगा कि कौन से प्लांटर की मिट्टी ज़्यादा ड्राई था, कौन से थोड़ा गीला था, मॉइस्ट था। तो पहले हमें पॉट में पानी देना चाहिए, उसके बाद हमें सारे प्लांट में ना शावर करवा देना चाहिए, अच्छे से नहला देना चाहिए। मैं तो ऐसा ही मैं करती हूँ। तो ये जो चाइनीज़ वायलेट के प्लांट है ना, इसे ना गर्मी के टाइम रोज़ पानी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है ना, अगर मतलब रोज़ पानी नहीं मिलता है ना, तो इसके लीव्स विल्ट कर जाता है। अब छोटा सा प्लांटर है ये, 5 इंच के है, तो मैंने अच्छे से पानी दे दिया है, ये देखिए एकदम भर कर पानी दे देना है, क्योंकि जब हम पानी मतलब इतना देना है कि एकदम पॉट के नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, मतलब एकदम नीचे तक पानी चला जाए। और ये गिर रहा है, बूंदे गिर रहा है, ड्रेनेज होल से पानी गिर रहा है, मतलब इस तरह से पानी देना है ताकि रूट्स एकदम नीचे तक, पॉट के नीचे तक, एकदम नीचे जो रूट्स होता है, एकदम सारे रूट्स को भी पानी मिल जाए। अगर थोड़ा सा पानी देंगे कि चलो थोड़ा सा देते हैं, तो थोड़ा देने से क्या होता है, पॉट की नीचे तक पानी नहीं जाएगा। इसीलिए आपको बड़ा प्लांटर है तो रुक रुक के पानी देना है। थोड़ा सा पहले आप पानी दे दिया तो यहाँ तक गीला हो गया, उसके बाद और थोड़ा पानी दीजिए, तो इस तरह से एकदम नीचे तक पानी आ जाएगा। अगर पॉट में ज़्यादा जगह नहीं होता है ना, तो इस तरह से रुक रुक के पानी देना चाहिए। अब ये जो दो प्लांटर है, इसमें मैं इस तरह के जो जिन सब पॉट में ना मिट्टी मॉइस्ट है, गीला है, उसमें मैं इस तरह से पानी नहीं दूंगी, ठीक है, बस शावर करवा दूंगी, तब थोड़ा पानी जो भी मिलेगा बस। लेकिन मैं पॉट में गीला हुआ जो मिट्टी है ना, उसमें मैं पानी डालूंगी तो ये मतलब इस तरह से गीला रहेगा तो रूट रॉट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा प्लांट ख़राब होता है ना ओवर वाटरिंग की वजह से, और अंडर वाटरिंग की वजह से भी पानी मतलब प्लांट ख़राब होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो स्पाइडर के प्लांट है ना मेरे, इसके मिट्टी भी काफ़ी गीला है। तो अब जो करना है मुझे, एकदम देखना है पाइप से, देखिए मैं पानी दे रही हूँ हर एक पॉट में, देखिए पीछे भी एक प्लांटर है उसमें भी पानी देना है। तो छोटे बड़े जो भी प्लांट होता है, मैं उन सब प्लांट में पहले पानी देती हूँ, ठीक है। और पानी देने से अब गर्मी के टाइम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमें प्लांट को बहुत ही अच्छे से पानी देना होता है।
और जब भी आप पानी देना, एकदम सुबह के टाइम देना अच्छा होता है या फिर शाम के टाइम, ठीक है? दोनों टाइम अच्छे से नहला देना चाहिए। और मैं दोपहर में भी मेरे प्लांट को यहाँ पे ना मैं पानी देती हूँ, और सुबह के टाइम, एकदम सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम मैं नल का पानी यूज़ करती हूँ। तब पानी ठंड रहता है, लेकिन दोपहर में ना बिल्कुल पानी गर्म हो जाता है ना, हमारे टैंक की पानी गर्म हो जाता है। तब गर्म पानी से बिल्कुल भी हमें नहलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और मिट्टी में भी पानी देना नहीं चाहिए। और दोपहर में भी मैं नहला देती हूँ, तब मैं मेरी बैक साइड में जो ट्यूबवेल है वहाँ से मैं मेरी बेटी को बोलती हूँ पानी लाने के लिए, क्योंकि अब मेरे जो हाथ में प्रॉब्लम हुआ है, आपको पता है कि मैं काम थोड़ा कम कर रही हूँ, तो बेटी को बोलती हूँ या फिर मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ। हस्बैंड मेरे आए हुए हैं घर में, फ्रेंड्स, ये भी आपसे शेयर करना था। तो उन्हें मैं बोलती हूँ पानी बकेट में ला के देते, तब मैं थोड़ा पानी दे देती हूँ। पानी देने का काम मैं ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे कौन से प्लांटर में कितना पानी देना है, कितना पानी देने से बिल्कुल नीचे तक पानी जाएगा। तो आपको ऐसा करना है, ठीक है? और गर्मी के टाइम आपको दोपहर में किसी भी प्लांट को ना वो मटर का मतलब वो टैंकी का पानी देना नहीं है, क्योंकि वो बहुत गर्म रहता है, और जब ठंड हो जाता है तभी पानी देना चाहिए। तो मैं सारे प्लांटर में अच्छे से पानी दे दिया है, और लीव्स को भी अच्छे से मतलब अब देख सकते हैं कि क्लीन हो गया है। तो इस तरह से आपको पानी देना है, चेक करना है मिट्टी को, उसके बाद आपको अच्छे से पानी देना है। और एक बहुत ही मुझे अच्छा लगा, फ्रेंड्स, ये मेरा खुद से एक्सपीरियंस हुआ है। स्नेक प्लांट मेरे पास बहुत है, मुझे बहुत प्यार है, और मैं इसे ना रिपोर्ट किया था। जब मैं रिपोर्ट किया था, इसके जो राइजम होते हैं ना स्नेक प्लांट की, तो स्नेक प्लांट के जो राइजम होता है नीचे से, मिट्टी के नीचे से हॉरिजेंटली चलता है, फिर ऊपर से बेबी प्लांट निकलते हैं। तो ये जो है ना, ये इसके जब रिपोर्ट कर रही थी, तो एक ये मैंने उसके जो राइजम है उसको कट करके ना ऐसे मैं खड़ा करके इसको वर्टिकल इस तरह से मैंने इसे रिपोर्ट किया था, मतलब लगाया था कि देखने के लिए कि ये ग्रो होता है या फिर प्लांट निकलते हैं साइड से, क्या होता है। तो वो मैंने देखा है दोनों साइड से दो बेबी निकल आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक करना, फ्रेंड्स। ओके, बाय।